तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। कुछ परेशान लग रहे हैं सरकार। देखो जवान, तुम्हारा मेरा ताल्लुक एक अरेंजमेंट तक था और अब तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अनीसा को उसका बर्थ सर्टिफिकेट देकर तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, समझे? और वो सब जानती है। अगर कुछ और जानना चाहे तो? तुम्हारे पास बताने को कुछ नहीं है और तुम मजीद ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अनीसा जानती है कि उसका बाप मैं हूं और तानिया उसकी मां है। और अगर वो ये जानना चाहे कि उसकी मां के साथ क्या हुआ, क्या आप बताएंगे? बिटिया का नंबर है मेरे पास, अब उसको क्या बताना है क्या नहीं बताना, ये आपके हाथ में है। उस बिटिया से इंफॉर्मेशन के पैसे लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। मामला हमारे बीच में ही रहे तो ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हैं सरकार, ये आपकी? आग का दरिया, आग का। अनु तुम्हारी माँ थी, दुख फील करना इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। माँ तो मेरी अम्मा है, तानिया डिसोजा को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। आई नो, पर तुम हिस्सा थी उनका, शी वॉज योर बायोलॉजिकल मदर, तो कोई कनेक्शन तो था ना। How can I miss someone जिससे मैं कभी मिली नहीं हूँ? Maybe तुम उस opportunity को miss कर रही हो जो तुम्हें मिल सकती थी उनसे, उनसे मिलने की, उन्हें जानने की। अब्बा कभी मिलने ही ना देते। अपने अम्मा और मेरे दरमियान कभी ना आने देते उनको। हमें ये भी तो हो सकता है ना कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो वाकई नहीं चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं। अनु, I know कि तुम desperately अपनी माँ से मिलना चाहती हो, पर you have to accept कि that she's, you know,
व्हाट इफ वो मुझसे वाकई झूठ बोल रहे हो, सो दैट मुझे उनसे दूर रख सके। पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोलते आए हैं वो, अब मैं कैसे उनकी किसी भी बात पे ट्रस्ट कर लूं? ये भी तो हो सकता है ना रामेश। मानो प्लीज, आई थिंक तुम्हें ये प्रोसेस करना होगा, और तुम जिस तरह सोच रही हो इट्स नॉट गोना हेल्प। नहीं, तुम्हारे अब्बा इतनी बड़ी बात के बारे में झूठ नहीं बोले। आई डोंट थिंक। क्यों नहीं बोलेंगे झूठ? हर चीज के बारे में तो झूठ बोलने आए हैं वो मुझसे, अब तो वो सच भी बोलेंगे तो मैं यकीन नहीं करूंगी उनका। आई गेट इट, बट दिस इज ह्यूज। ये बहुत बड़ी बात है, और लोग किसी के मर जाने के बारे में झूठ नहीं बोलते। हाँ, खैरियत रही? मैं तो कल रात ही वापस आ जाती, लेकिन आजकल हाईवे पे बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, मैंने सोचा कि रात का सफ़र ठीक नहीं रहेगा। आपको तो खबर होगी ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस घर में कुछ हो रहा और आपको खबर ना हो। ये इशारों की बातें मुझे कभी भी समझ नहीं आई। अगर कोई शिकवा है मारो तो खुल कर करो। आपको नहीं लगता आपको मुझे और मेरे पेरेंट्स को ये बताना चाहिए था कि आपकी बेटी की एक शादी और भी हुई थी, तानिया डिसूजा के साथ? मैं वो शादी नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से कुछ होता नहीं, एक सच्चाई थी जो आपने छुपाई। वो एक गलती थी। और मैं क्या थी? उस गलती का अजाला? तुम मीर जलाल का मुस्तकबिल थी और वो उसका माजी। ये मेरा हक था कि आप दोनों मुझे उसके माजी के बारे में बताते। क्या फायदा होता, क्या फर्क पड़ता? इतने साल ये बात जाने बगैर जो तुमने शानदार जिंदगी गुजारी है, इस बात का सबूत है कि मीर जलाल के माजी से तुम्हारी जिंदगी का कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी दरअसल तानिया और मीर जलाल की बेटी है। वो शादी इसलिए टूटी क्योंकि आप उससे नाखुश थी, वरना आज वो तीनों एक फैमिली होते। तो बिला वजह जबरदस्ती आपकी अना की वजह से बीच में डाली गई। उसका और मीर जलाल का कोई जोड़ नहीं था, ना तो हमारे मजहब की थी और ना। इसलिए आपने अपने बेटे की मर्जी अपनी अना पे कुर्बान कर दी, और मेरी भी। अपनी ही मर्जी से एक शानदार जिंदगी गुजारी है तुम दोनों ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत मीर जलाल की जिंदगी में नहीं थी। और आज भी अगर उसकी परछाई तुम्हारी जिंदगी पर ना पड़ती तो तुम दोनों खुश होते। एक झूठी जिंदगी गुजारी है हमने। जिस तरह मीर जलाल आपका बेटा है, अनीसा मेरी बेटी है। अगर आप समझती हैं कि ये सब बातें सामने आने के बाद ये बात बदल जाएगी, ये गलत फहमी है आपकी। आई एम स्टिल हर मदर।
देखें, आप लोगों के बैंक के साथ कोई मैं आज से तो नहीं, पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहा हूं, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हमने आपसे लोन लिया हमेशा वक्त पर वापस किया है, राइट? बिल्कुल मीर जलाल साहब, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपका एक नाम है, रेपुटेशन है जमाने में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर, हम इस लोन रिपेमेंट को पहले से 3 बार रिनेगोशिएट कर चुके हैं। दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, ये बिजनेस है। यू आर बैंकर्स, यू आर सपोज टू नो दिस। हमें से किसको पता था कि यूं अचानक गवर्नमेंट चली जाएगी? यानी आपको पता था, मुझे पता था, नहीं ना? बट फैक्ट क्या है, गवर्नमेंट अचानक बदल गई, हमारा प्रोजेक्ट रुक गया, वरना ये प्रोजेक्ट वक्त पर कंप्लीट होता। और अगर ये वक्त पर कंप्लीट होता तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों का वक्त पर लोन वापस करता, मैं नहीं कर सका ना, इसीलिए मेरे अरबों रुपए भी फंस गए। सो यू गाइज विल हैव टू गिव मी दैट ब्रीदिंग स्पेस। Look, the best we can do is we can continue with the renegotiated terms of your loan payments. But at this moment, I'm not sure that we can offer you further loan. And this is the best you can offer me, right? ठीक है। तो फिर मैं किसी और बैंक के साथ बात कर लेता हूँ। I'll take my business elsewhere. It's up to you, but you have to pay off the loan. तो आप चाहते हैं कि मैं अपना लोन किसी और बैंक में ट्रांसफर कर दूँ? ठीक है। I mean, I really don't mind. अच्छा है, कम से कम मुझे रेट्स भी बेहतर मिल जाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। Right now, I have to go to attend some meeting. See you at the cop. अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आओ अनीसा, क्या पियोगे, चाय या? आप सच बोल रहे हैं मुझसे? क्या यही कि तानिया डिसूजा असली में मर गई है या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? अनीसा, ये सच है कि मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई हैं, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी, उनमें तुम्हारी भलाई थी। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। आप शायद सोच रहे हो कि इसमें मेरी भलाई है कि मैं अपनी माँ से ना मिलूं, इसीलिए एक बार फिर आपने मजबूर होकर मुझसे झूठ बोला। आप कैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन मेरा यकीन तो उठ गया आपकी बातों से। चलो घर से। कहाँ? बस आओ। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, लेकिन यह झूठ मैं तुमसे कभी नहीं बोल सकता। ग्रेजुएशन से कुछ अरसा कबल तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया। यूनिवर्सिटी खत्म करके मैंने सारा बिजनेस संभाल लिया। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं लोगों के आगे शेर बनता था, डरता था, डरता था कि कहीं उन्हें पता ना लग जाए कि मैं कितना नालायक, ना अहल और डिसऑर्गेनाइज्ड आदमी।
फिर एक दिन तानिया सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आई। जहीन थी, प्रोफेशनल थी। एक हफ्ते बाद ही उसने काम शुरू कर दिया। उसने मेरा दफ्तर ऑर्गेनाइज किया, मेरी जिंदगी ऑर्गेनाइज की। अम्मी हमेशा से बिजी थी, अकेला था मैं, सारा वक्त काम में बिजी रहता था। प्रॉबेबली आई हैड बिकम अ वर्कहोलिक। जब तक मैं नहीं उठता वो भी दफ्तर में बैठी रहती। मैं अपने डेस्क पे ही खाना खा लेता था। एक दिन मैंने देखा कि वो भी अकेली बैठी खाना खा रही थी। अगले दिन से मैंने भी उसके साथ खाना खाना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते तो काम की बातें होती रही। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी फैमिली की बातें करने लगे। उसकी अम्मी टीचर थी, उसके मरहूम वालिद बैंकेट मैनेजर थे, और छोटी बहन आर्टिस्ट बनना चाहती थी। वो अपने अब्बू के बाद काम करके अपनी अम्मी की हेल्प कर रही थी। एंड आई फाउंड दैट सो एडमिरेबल अबाउट हर। यूं ये बातें करते करते हम कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। बस ये पता था कि वो शाम की कप्पें मेरे दिन का बेहतरीन वक्त हुआ करता था। एक दिन वो मुझे कोई किस्सा सुना रही थी। मुझे याद नहीं किस बारे में, बस इतना याद है कि मैं जिंदगी भर उसके साथ बैठकर उसकी किस्से कहानियां सुनना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तानिया से शादी करूंगा। मैंने अम्मी को अपना फैसला बताया। हस्बे तवक्को उन्होंने बहुत मुखालफत की, कभी मजहब के नाम पे तो कभी तानिया के सोशल स्टेटस की वजह से। जब दूसरे दिन दफ्तर गया तो पता चला कि अम्मी ने हमारे जीएम साहब से कहलवा कर तानिया को नौकरी से निकलवा दिया। अगले 6 महीने मैंने हर उस जगह का चक्कर लगाया जहां वो जाती थी। पहले 2 महीने तो उसने मुझसे बात तक नहीं की। अगले 4 महीनों में मैंने शायद 30 बार उसको प्रपोज किया होगा। उसकी भी वही रिजर्वेशंस थी जो अम्मी की थी। उसकी अम्मी भी हमारे फैसले से इतना खुश नहीं थी शायद, और वो भी वही बातें कर रही थी जो मेरी माँ ने की थी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्यार बहरा भी होता है। वो दिल की आवाज के अलावा किसी की नहीं सुनता। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की। February 14 वैलेंटाइंस डे। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि हमारा साथ सिर्फ 14 महीने ही होगा। छोड़ गई मुझे हमेशा के लिए। कैसे हुआ? कार एक्सीडेंट।
I think we should go home now. बनाने वाले के लिए सब लोग बराबर हैं और हर इंसान को हक है अपनी जिंदगी बेहतर करने का, अपने हालात संवारने का, अपनी किस्मत बदलने का। इसके लिए कोशिश करना भी एक इबादत है और ये सेंटर भी इसी इबादत का एक हिस्सा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनों को इससे बहुत फायदा होगा, मदद मिलेगी। और याद रखिएगा, हम सब औरतों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि हम एक हैं तो मजबूत हैं। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, खुद एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मैं और अब्बा कब्रिस्तान गए थे, तानिया डिसूजा की कब्र पर। तुम्हें अजीब लगता है उन्हें अम्मा कहते? मेरी अम्मा आप है। ऑफ कोर्स किसी और को माँ बुलाते हुए अजीब लगेगा, अगर मैं तुम्हारी इकलौती अम्मा हूं तो वो तुम्हारी मामा हो सकती है। लिखे गए थे। I had to confront him. I just wanted to make sure कि वो मुझसे एक और झूठ ना बोले। या शायद इस बार तुम उम्मीद कर रही थी कि वो तुमसे झूठ बोले। So final, मैं कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगी, कभी उन्हें जान नहीं सकूंगी। कहानी तो कब की खत्म हो गई बेटे, बस उसका आखिरी चैप्टर तुमने अब पढ़ा है।
मेरे इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। अब्बा छुपाते ज्यादा है, बताते कम है। जब बताते हैं तो आधा झूठ होता है। क्या कहा उन्होंने? जो नहीं कहा मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। अब्बा ने कहा था कि आपकी शादी से पहले उनकी और तानिया मामा के दरमियान कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया था। तो मुझे लगा कि 2 साल बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मुझे वहां से यहाँ ले आए। हाँ, शायद, पता नहीं। कल के बाद मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं। अम्मा, अब्बा ने कहा कि आप दोनों की शादी से पहले तानिया के साथ सब कुछ खत्म हो गया था। असल में आप लोग की शादी से 6 महीना पहले उनका इंतकाल हो गया था। छह महीने मैंने उनकी कब्र पे तारीख पढ़ी। मेरी पैदाइश के 2 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। तो अगर मेरी असली बर्थ डेट अगर वही 15th of Feb 1995 है तो मेरी जिंदगी के 2 साल मैं किसके साथ थी? कोई तो शख्स था ना। तानिया चली गई थी लेकिन कोई तो शख्स था, या शायद कुछ पता नहीं अब भी है जिसको पता होगा कि मेरी माँ कौन है, कैसी है। अनिसा, जा रहा हूं, दवाई ढूंढने आया। छह महीने क्या? तानिया का इंतकाल हमारी शादी से सिर्फ 6 महीने पहले हुआ था। अगर कल मैं मर जाऊं कितना वक्त लगेगा तुम्हें मुझे बुलाने में? मजबूरी में शादी की थी मुझसे, आई नो हमारी अरेंज मैरिज थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम पहले दिन से मुझसे इश्क करने लगोगे। मुझे भी वक्त लगा था लेकिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ इसलिए कही थी क्योंकि तुम मुझे मुख्तलिफ लगे थे, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सच्चाई। शायद वो सब मेरी बेवकूफी थी। मुझे भी तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख्यालात ने अट्रैक्ट किया था। मेरी नजर से देखो तो हम अब भी वही हैं। कम से कम मुझे अपने किसी डिसीजन पर पछतावा नहीं है। मगर मुझे हो रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है। All these years I thought हम एक दूसरे को समझते हैं। तुम्हें शायद मेरी सोच ने अट्रैक्ट जरूर किया होगा बट मैं कैसे सोचती हूँ ये तो तुमने कभी नहीं समझा। दिस इज नॉट फेयर। ये एक बात बाकी हर चीज को कैसे निगेट कर सकती है? कर सकती है, कर दिया है।
इतना सा कर दिया है मुझे तुम्हारे इस झूठ ने, इतना सा। अगर तुम्हारी 10 शादियां और 20 बच्चे भी होते ना जलाल, तो आई वुड नॉट हैव गिवन अप ओनली इफ यू वुड हैव थॉट मी वर्थी ऑफ योर ट्रस्ट। वी ऑल हैव अ पास्ट, वी ऑल डू, मगर तुम्हें लगा कि मैं इतनी कमजर्फ, इतनी तंग दिल, तंग नजर औरत हूं कि मैं तुम्हारे पास को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। तो क्या समझा तुमने, क्या समझा? कुछ नहीं समझा ना, झूठे हो तुम। पता नहीं क्या क्या झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। Still in love with her? और मैं क्या थी? Distraction? Rebound? मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ रहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी वो ही रहती है। जो दिल तोड़ते हैं उनके लिए दिल में जगह नहीं होती। बड़ा सख्त दिल है तुम्हारा, जो 6 महीने में ही उसे बेदखल कर दिया और मुझसे शादी भी कर ली, क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मी के मायार पे पूरी उतर आई थी। Sometimes wonder, I wonder what she did, what did she do that even her death could not undo. जिन बातों को मैं पीछे छोड़ा है उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, एंड आई थिंक दिस शुड बी इनफ। डोंट यू गेट इट? आई डू नॉट वांट टू रिपीट एनी ऑफ दैट। व्हाई आर यू पुशिंग मी देयर? व्हाई रियली? अनीसा तुम्हारे माजी का हिस्सा है, इग्नोर कर दोगे उसे? वो पूछेगी तुमसे अपनी जिंदगी के पहले 2 साल वो कहां थी, किसके साथ थी, और तुम्हें उसका ख्याल उस वक्त क्यों आया जब हमारी औलाद नहीं हुई? मैं उसे कभी नहीं भूला, जैसे ही मौका मिला मैं ले आया था। द मौका, द स्टोरी, द सेंसिटिव मीर जलाल, हमारी शादी को 1.5 साल हुआ था यार। हम और कोशिश कर सकते थे, हम ट्रीटमेंट करवा सकते थे। अनीसा के बाद कोशिश की थी, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ यार, नहीं हुआ। किल मी, किल मी, नहीं हो सका। और अगर अनीसा से पहले हमारा बच्चा हो जाता, क्या करते तुम? भूल जाते अनीसा को, छोड़ देते उसे, नहीं लाते उसे घर? मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है मारो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अनीसा के लिए सिर्फ तुम उसकी मां हो, और शायद तुम उसको मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। एब्सोल्युटली, अनीसा मेरी बेटी है, मैं उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती हूं। शी इज माइन, माइन। बट यू मीर जलाल, यू आर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी। जिस आदमी से मैंने शादी की थी मार दिया है तुमने उसे। Can't even look at you right now. So don't look at me. मत देखो मुझे। To hell with all this. ना मिट सकी कोई हद खामोशी की, दोनों के चुप भी वही के वही है, तू भी वही है, मैं भी वही। खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा, तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा।
झांका तो खुद को ही पाया मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया क्योंकि मैं ग्रीन हूं।